यूपी के देवरिया में हुए खूनी खेल ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। इस हत्याकांड के बाद से ही दोनों परिवारों के बचे हुए लोग अपनी अपनी दलीलें और तर्क रख रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इस मामले में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई पर निगरानी रख रहे हैं। कत्लेआम को लेकर सीएम के आदेश के बाद मामले में लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों सहित 15 अधिकारियों पर गाज गिरी है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से वो अधिकारी भी शामिल हैं जो रिटायर हो चुके हैं। बीते दिन कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि जमीनी विवाद पर किसी तरह की घटना हुई तो संबंधित जिले और तहसील के अफसर नप जाएंगे। इस जघन्य हत्याकांड के बाद सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता ने बताया कि जमीनी विवाद 2014 से चला आ रहा है। शोभिता के मुताबिक प्रेमचंद्र यादव ने उनके चाचा को अगवा कर करीब 10 बीघा जमीन अपने नाम कर ली थी, जिसको लेकर सत्यप्रकाश दुबे ने कोर्ट में केस किया था। तभी से दुबे परिवार और यादव परिवार के बीच तकरार चलती आ रही है। शोभिता ने बताया कि उसने और उसके परिवार के लोगों के जमीन विवाद को लेकर पुलिस थाना, तहसील और लेखपाल के चक्कर काटे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि 1000 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई, मगर कुछ नतीजा नहीं निकला। दरोगा, तहसीलदार ने भी कभी उनकी सुनवाई नहीं की। सालों तक मामला टालते रहे और प्रेमचंद का पक्ष लेते रहे, जिसके चलते 2 अक्टूबर को इतनी बड़ी घटना हो गई। बता दें कि देवरिया में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई थी। इस हत्या का बदला लेने के लिए प्रेमचंद पक्ष के दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर पर हमला कर दिया और दुबे सहित परिवार के कुल 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। Oh, oh, oh.